चलो आज देखते हैं ये आज क्या बन रहा है। ये आ रहे हैं एग्स। अब इसमें ऐड हो रहे हैं ये स्प्रिंग अनियंस। ये आ गई कैरेट, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, ये आई ब्लैक पेपर, ये आ गए चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ये आ गया आटा, इट्स व्हीट फ्लोर। अब इसको किया जाएगा मिक्स। थोड़ा इसमें ऐड हो रहा है दूध, इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, इसमें क्लम्सेज नहीं रहने चाहिए। अब मिक्स हो गया है, अब इसमें डल रही है हल्दी, थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा इसमें स्वाद के लिए डल रहा है चिकन मसाला। हल्दी, मिर्च और चिकन मसाला ऐड होने के बाद उसको मिक्स करके अब ऐड हो रहे हैं इसमें सेसमी सीड्स। ये हैं वाइट सेसमी सीड्स और अब होंगे इसमें ब्लैक सेसमी सीड्स। ये देखिए अब ये हमारा हो गया है, देखिए लिक्विड डो कह सकते हैं आप इसको या बैटर कह सकते हैं। ये हो गया है रेडी, हमारा तवा जो है वो चढ़ गया है चूल्हे पर और वो गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने ये लिक्विड बैटर को बनाकर कम से कम 5-10 मिनट छोड़ना है। ये हमने तवे पर लगा दिया घी, तवा हो चुका हमारा गरम। ये देखिए ये आ रहा है इसमें थोड़ा बटर। बटर तो मेरी सैनी हर चीज में इस्तेमाल करती है। ये देखिए अब ये इसको ढक देना है हमने। ये लग गई पलटी। देखिए ये आपको बहुत ज्यादा पैन केक जैसा ही दिख रहा होगा क्योंकि इसका प्रोसेस बिल्कुल बनाने का वही है, ऐसे ही पैनकेक्स भी बनते हैं। ये देखिए क्या कलर आ रहा है इसका, ये नंबर वन। तो चलिए खाते हैं। अब देखते हैं इसको टेस्ट करके। पहले मैं बिना सॉस के ही करूंगा। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया फ्लेवर है इसमें हर चीज का, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑमलेट खा रहे हो या रोटी खा रहे हो या क्या खा रहे हो। ये जब आप टेस्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा इसका टेस्ट है कैसा, क्योंकि इसमें हर चीज का टेस्ट अलग अलग आ रहा है। इसमें जो क्रंचीनेस है वो बहुत बढ़िया है। जब आप सेकोगे, आप भी बनाओगे तो इनको ना थोड़ा सा क्रंची रखिएगा, सेकिएगा अच्छे से। और दूसरा हमने बताया था कि जो आटे के गोले उसमें नहीं बनने चाहिए, तो इसको विस्क अच्छे से करिएगा और ताकि ये आपका स्वाद ना बिगाड़े। वाह,
अब सॉस लगा के थोड़ा सा खाते हैं, ये आप भी लीजिए। बहुत बढ़िया। वैसे तो देखिए जिन लोगों को केचप पसंद है वो केचप के साथ खाएं, वरना इसका स्वाद इतना अच्छा है कि मन ही नहीं कर रहा इसमें केचप लगा के खाने का। बहुत बढ़िया। आप भी इसको घर पे अपने ट्राई जरूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे रिव्यूज हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। खाऊंगा मैं, स्वाद आपको आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।